सभी दर्शकों को हमारे मुझसे नमस्ते कला प्रोग्राम में आप लोगों का हम स्वागत करते हैं और दर्शकों आज कला प्रोग्राम में कैसे उभरते सितारे से आपको मिलवाएंगे जिनकी बहुत सारे सपने हैं उनको ये करना है वो करना है और धीरे धीरे अपने सपनों को साकार करती आ रही है सो so, आज के इस कार्यक्रम में चलिए आपको मिलवा रहे हैं विताशा शाह जमन जी से विताशा जी हमारी से नमस्ते yes, और बहुत अच्छा लग रहा है आज कला प्रोग्राम में आपसे भेंट हो रही है कुछ अपने बारे में आप बता रही हैं और हम सबसे पहले ये हम जानना चाहेंगे कि आप जीवन में क्या करती हैं uh, मैं एक कलाकार हूँ और मैं उस कॉलेज में एक आर्ट एजुकेटर हूँ पाँच सालों से सो और मैंने एम जी आई में अपनी डिग्री हासिल की और अभी मैं अपनी पी जी सी एम आई में कर रही हूँ थोड़ा सा आप कैसे आप क्षेत्र में आई आ, पहले मुझे एक इंस्पिरेशन मिली मेरे दादी से उसने मुझे एक गीत गवाए मैं लिख एक शादी जो सेलिब्रेशन होता है वो गीत गवाए वहाँ पर आ, एक आ, लड़की मेहंदी लगा रही थी और वहीं पर मुझे प्रेरणा मिली मेहंदी कैसे लगाते हैं डिज़ाइन कैसे बनाते हैं और ए, मैं 10 साल की थी जब मुझे ये प्रेरणा मिली और ए, मुझे नर्स बनना था पर वहाँ पर डेस्टिनी ने भी और आपको भेज हाँ। सो वहाँ पर मैंने लड़की को देखा कैसे डिज़ाइन बना रही थी वहाँ वहाँ बहुत खूबसूरत वो डिज़ाइन बन, बना रही थी हाँ डिज़ाइन बना रही थी और उस वक्त मैं बहुत इंस्पायर्ड हुई तब जब मैं घर गई मैंने अपनी दादी से बोला कि मुझे एक कौन ना मेहंदी चाहिए मैं लगातार कोशिश कर रही थी डिज़ाइन बनाने को पर कामयाब नहीं, बन, नहीं। <laughs> हो सकी तभी पहली कोशिश थी हाँ पहली कोशिश थी उसके बाद मैंने फिर कोशिश की और डिज़ाइन सर्कल बनने लगा और मैंने अपने दादी के हाथ में कुछ डिज़ाइन बनाना शुरू किया था फिर उसके बाद ए, मेरे दोस्तों ने उसकी प्रशंसा की और के डिज़ाइन बहुत खूबसूरत है मेरे मेरे भी हाथ में लगा सकते हो या ए, फिर ऑफ़र आने लगा लगी लाइक दुल्हन को महदीला लगा सकती हूँ या नहीं तब मेरे पापा जी ने कहा कि जाओ और अपनी कला का प्रदर्शित करो तभी मैंने जाना शुरू किया और मैंने देखा कि मैं और से बहुत इंस्पायर्ड होती हूँ तब मैं नर्स बनना चाहती थी पर मैंने और और में आ या फिर आ, कैसे आपने शुरू की तभी आ, मैंने शुरू की आ, जब आ, मैं स्कूल जाती थी वहाँ पर मेरे टीचर जो हैं मुझे लगातार आ, कहते थे कि तुम तुम्हें और कंटिन्यू करना चाहिए फ़ाइन आर्ट्स जाना चाहिए आ, सो मैंने अप्लाई किया फ़ाइन आर्ट्स करने को और मुझे आ, मुझे मिला वहाँ पर एक सीट hmm. और फाइन फाइनल्स फाइन आर्ट्स करने को आ, वो, वो था मेरे पापा जी का ड्रीम hmm. उसे बनना था एक एन और, एजुकेटर अन धीरे धीरे मैं इस आ, फील में और गहराई में जाने लगी और मैंने अपने मेरे पापा का ड्रीम जो है उसको पूरा किया पूरा किया और मैंने अपने पापा का जो ड्रीम है उसको पूरा किया मेरे पापा जी जो है आ, वो फ़ाइन आर्ट्स नहीं कर सकते नहीं किया क्योंकि आ, उसके पास वहाँ जब फ़ाइन आर्ट्स था आ, जब ऐसा टाइम फाइन आर्ट्स था वो एक्सपेंसिव था हाँ। और वो मैनेज हाँ। नहीं कर पाए या लेकिन उनका ड्रीम था हाँ जब मैंने डिग्री कंप्लीट कर लिया था तब मुझे एक महीने के बाद मुझे काज़िला में नौकरी मिली थी आज मूर्तिकार अच्छा हाँ वहाँ पर हैलोवीन बनाते थे और टिका एवरीथिंग एवरी थिंग वज आन द प्लान ऑफ डूइंग बनाने की कोशिश कर रहे थे भोला कोस्ट वहाँ पर डिज़ाइन बनाना चाहते जा, थे और अथिस ढूंढ रहे थे तभी मैं और मेरे कुछ दोस्तों ने अप्लाई किया था और वहाँ पर हमारे मुझे पहली नौकरी मिली थी आज स्क हाँ वहाँ पर मैंने कुछ स्कल्पचर बनाया था फाइबर ग्लास प्लास्टर सीमेंट से एक वैरायटी ऑफ स्कल्पचर बनाया था mm -hmm. तभी uh, उसके बाद मुझे एमबीसी uh, में इंटर में इंटीरियर डेकोरेटर का जॉब मिला था ओवर गांधी आई डिड सम ओवर वगैरह बैक्राउंड uh, the mm -hmm. uh, then काफ़ी समय हो गया ये hmm? काफी समय हो गया हाँ, हाँ. काफ़ी समय हो. Uh, ये टू थाउजेंड एंड फोरथीन की बात है या अच्छा. yeah. mm -hmm. और uh, वो एमिशन था शिजन का एमिशन अच्छा श्री का अपने वो बैकग्राउंड uh -huh, बैकग्राउंड किया था uh, और uh, तभी uh, मुझे मेरे पहले आर्टिकल से uh, अनजोनल एज ए रोड पत्रकार like, कर, पत्रकार ने मेरा पहला आर्टिकल लिखा था जब मैं एमबीसी में एक्सपोज कर लिया था फिर मुझे आ, उस में आज ऑर्ट एजुकेटर का काम मिला था वहाँ पर आ, एक नाइस एक्सपीरियंस मिला आ, पहली बार जब मैं वहाँ गई थी आ, मुझे मुझे नहीं पता कि मुझे एक मुझ में एक टैलेंट है हाउ टू प्रोपागेट द नॉलेज टू स्टूडेंट्स तो वहाँ पर मैंने देखा कि जब भी मैं एक, 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 एक चार एक स्टूडेंट एक को सिखा रही हूँ कैसे आउट करते हैं कैसे लाइट एंड शेड डालते हैं वो इंस्पायर्ड होते थे और उस उस उस, उस चार्ट का भविष्य बहुत सफल होता था ब्राइट लाइक दे वर गेटिंग ए प्लस या

एक कंपोजिशन uh, बना सकते हैं तब वो बहुत इजी हो जाता है तब वो इंस्पायर्ड होते हैं और द वर्क इज़ वेरी फैबुलस व्हाट दे डू ओवर ड्यूर सो वहाँ पर मुझे और प्रेरणा मिली टू क्लाइम अप द लार्डर एंड आई स्टार्ट गेटिंग कॉन्फिडेंस लाइक आई वांट टू प्रोपागेट माय नॉलेज व्हिच आई हैव द लाइकिंग All what I like for all the colors, the texture, all ये सब आपको बहुत अच्छा लगा। Yeah, so I started like uh, propagating my knowledge and mm. I I even got student. Uh, I give tuition at home. Mm. Uh, वो यहाँ पर आते हैं और uh, मैं उसको uh, उस उस ट्यूशन देती है। या मैं उसको ट्यूशन देती हूँ और वो दे गट रिजल्ट लाइक बिकम लाइक मी या टू बिकम एन टी टीचर एंड माय uh -huh. विताशा जी अभी जितने हमने कार्यक्रम किए हैं कला प्रोग्राम इसमें बहुत से जो कलाकार आए है हुए हैं वो सब एक एसोसिएशन में है आसिया अभी इसमें मेम्बर हैं uh -huh. uh, हाँ मैं देव आसिया में हूँ देव काम निशाल प्रभु uh, पवी uh, रामेश्वर uh -huh. uh, uh, दानिएला मिशेविक विक्षित दयाल uh -huh. दो We are like in, a, in the same group with Art Inspired, also, mm -hmm. the group called Art Inspired. So, over there, we, we try to promote art in, in another way. Mm -hmm. Like, uh, in order to inspire every artist, yeah, you can create something out of the box. Mm -hmm. Everyone has their style of working. Yes. Yeah. हाँ, थोड़ा सा आप अपने अनुभव बताएं अपने अनुभव क्यों आप ये करती है कैसे लग रहा है आ, और स्पेशली हम ये जानना चाहेंगे जब आप स्कल्पचर करते हैं तो क्या यूज़ करते हैं और पेंटिंग्स के लिए क्या मटेरियल आप यूज़ करती है मैं गणेश चतुर्थी में मूर्ति बनाती हूँ गणेश जी की मूर्ति मेरा एक ड्रीम था कि मैं मैं मूर्ति बना सकूं और सभी घरों में दे सकूं कि सभी लोग गणेश चतुर्थी मना सकें अच्छा हाँ फिर और जो पेंटिंग्स है आपकी मैं देख रही हूँ बहुत सुंदर सुंदर पेंटिंग्स है क्या आपने प्रदर्शनी में कभी आपने एक्सपोज किया हाँ मैंने uh, सालों में मैं रिसेंटली uh, एग्ज़िबिट uh, किया था वहाँ पर हाँ वहाँ पर स्क्रैप मटेरियल यूज़ किया था हाँ। जो पोल्यूशन वकाशे से जो पोल्यूशन हो, हो चुका है वहाँ पर मैंने एक पेंटिंग का एग्जिबिशन किया था और ये पेंटिंग मैंने एग्ज़िबिट किया था अप्रवासी घाट जो तमिल कल्चर ने उगा किया था हाँ यहाँ पर आप देख सकते हैं कैसे uh, तमिल कल्चर एक कल्चर लाइक क्रशिंग मसाला लाइक एवरीथिंग इज वेरी ट्रेडिशनल कुछ ए, महिला ए, बहुत पहले जमाने में नाउ वी वी हैव ऑल ऑल फैसिलिटीज़ सी दिस and mm. and the wedding, the tallies, mm -hmm. and the crushing of masala, now गाएन, गाएन में, में है। है। mm -hmm. so normally uh, मेरे जो काम है mm -hmm. वो एश वर्स मोडर्न पर बेस करता है। जब, know, ये contrast करते yeah, है जब uh, ये देख आप दे, ये देख सकते हैं, ये मोडर्न है Haan. मॉडर्न जमाने मेट्रो से डांस एंड एवरीथिंग ये ये मॉडर्न का है पर वहाँ पर वो एशन का है वहाँ पर जो जदडो स्लेव

नेक्स्ट वीक को एग्जिबिट कर रही हूँ सावई सावई एग्जीबिशन में वजह uh तो -huh. uh -huh. so, uh, वहाँ पर ऑर्गेनाइजर uh, और निशाल प्रभु विक्षि डियाल एंड एक स्पेशल धन्यवाद देना चाहती हूँ मिस्टर राजीव और राजा बागी को जो वो ओनर uh, है जो सावई का ओनर है uh -huh. वो लोग सिनेमा को री इनोवेट कर रहे हैं और वहाँ पर एक मल्टीपरपोज हॉल बना रहे हैं और हम वहाँ पर एक एग्जीबिशन कर रहे हैं

मधुबनी कैसे शुरू हुआ था लाइक राम और सीता शादी करने वाले थे और इन ऑर्डर टू पेंट द पैलेस एंड ऑल दैट वेडिंग सेरेमोनी जैन मधुबनी पेंटिंग यूजिंग पिगमेंट वहाँ पर पेंटिंग नहीं थे मधुबनी on my style mm -hmm. so over here we, you can see that there is a f footprint of madhubati painting mm -hmm. and the traditional way of portraying mm -hmm. it Or oh, this is mm -hmm. like a bollywood priyanka intricate canvas जब आप मधुबनी पेंटिंग्स की बात कर रही हैं वहाँ पर उस जमाने में ये जो आज यूज़ करते हैं कलर्स जो है आ, कौन कौन से मटेरियल जो यूज करते हैं जैसे मधुबनी करने के लिए आप प्रिंट प्रिंट मेकिंग मेकिंग से कर, कर सकते हैं और वो लोग फ्रूट्स से ये कलर्स बनाते थे हल्दी से ऐसे फ्लावर्स फ्लावर्स से ये कलर्स बनाकर बहुत सुंदर पेंटिंग्स और जब ये दोनों का विवाह होने वाला था राम और सीता का इतना वो सुंदर बना दिया था हाँ, स्पेशली वो शादी के लिए बहुत अच्छा और एकदम मधुबनी पेंटिंग सी थी आ, और जब एक नेचुरल कलामिटी था सब ब्रोकन हो गया हाँ। पर अभी वहाँ पर ये जो मधुबनी पेंटिंग है म्यूजियम में एक आप... उस जमाने के अभी तक है, है हाँ।, हाँ क्या आपने कोई प्रदर्शनी में आपने भाग ली है विदेश में भी या सिंस लास्ट ईयर मैं एग्जिबिट कर रहा हूँ ऑफलाइन वर्चुअल एग्जिबिशन में फ्रॉम इंडिया फ्रॉम ब्राजील एंड फ्रॉम अफ्रीका आल्सो सो आई गॉट अ चांस लाइक टू एग्जिबिट वी इज़ फेमस आर्टिस्ट व्हिच इज़ अ वेरी ग्रेट प्रिविलेज फॉर मी कौन अब आते हैं आपकी जो जो काम करती है Uh, क्या मटेरियल यूज़ करती है? थोड़ा हैं थोड़ा सा आप बताएँ जो पेंटिंग्स करती है उसके लिए क्या यूज कर मैं सभी मटेरियल मैं सीमेंट यूज़ करती हूँ फाइबर ग्लास भी यूज़ करती हूँ वहाँ uh, मेरे uh, जो अभी एग्जीबिशन uh, हो चुका है सालोंडी में वहाँ मैंने एक स्क्रब मटेरियल एग्जिबिट किया था और मेरे पापा ने uh, और मेरे भाई साहब ने मुझे हेल्प किया था वेल्डिंग करने को वहां पर मैंने ऑल टाइप्स ऑफ मटेरियल कंबाइन किया था टू शो पोल्यूशन ओवर आई यू कैन सी हियर आई ट्राई टू यूज पेंटिंग टू शो पोल्यूशन सो मैंने पोल्यूशन में बहुत काम किया है टू शो द रियल क्राइसिस वी विच यू आर फेसिंग और जब भी मैं पेंट करती हूँ मैं आँखें यूज़ करती हूँ ऑयल पास्तल भी यूज़ करती हूँ और ऑयल पेंट भी यूज़ करती हूँ और जब आप मूर्ति बनाती हैं तो स्पेशली क्या आप क्ले किस तरह का क्ले या कैसे आप बनाती हैं जब मैं मूर्ति बनाती हूँ मैं और जाती हूँ वहाँ पर क्ले लेकर के मूर्ति बनाती हूँ स्पेशल तर्ष... जो होता है ना हाँ जो लैंप बनाते हैं वहाँ मैं क्ले लेकर आती हूँ और मूर्तियाँ बनाती हूँ और आ, अगर मैं उसको फाइबर ग्लास बना आई हैव टू डू इट देन आई टेक क्ले देन आई मोल इट देन आई टर्ड इट इन टू प्लॉस प्लास्ट ऑफ और आप क्या ज़्यादा पसंद करते हैं पेंटिंग्स करना स्कल्पचर क्या कोई विशेष इंटरेस्ट है क्या पसंद करती है नॉर्मली एवरीथिंग कम्स विद योर मूड अच्छा जब आपका मूड करता है पेंटिंग करने को इंस्पिरेशन मिलना चाहिए हाँ। एक पेंटिंग करने को या हाथ में क्ले ले के कुछ बनाने को जब वो क्लिक मिलता है तब काम ज़्यादा आसान हो जाता है थोड़ा अपने फ्यूचर के बारे में आप क्या करना चाहती हैं थोड़ा सा इस पर आप बात करें मुझे आ, अपना पी पी करना है मास्टर्स भी करना है और आ, मुझे लाइक इट्स ग्रेट ऑनर टू सी माई सेल्फ लाइक कमिंग फ्रॉम ए Middle class family mm -hmm. and come uh, exhibiting with famous artists in Mauritius is like a dream come true, mm -hmm. not only for me but for my parents. Mm -hmm. Mm -hmm. Or uh, uh, um, satisfied ah. uh, like, whenever I'm sad, they give me like a prayer. टू 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 क्लाइम टू टू इसमाइल एंड टू मेक अवसर स्माइल हिता शाह जी आप हमारे जो जवान हैं जो स्कूल्स के बच्चे हैं उन लोगों को क्या प्रेरणा देना चाहती हैं क्या संदेश देना चाहती हैं मैं उसको एक संदेश देना चाहती हूँ कि और बहुत इजी है डिस्करेज पेंटिंग इज़ नॉट बिकमिंग गुड Uh, they have to uh, try, try, koshish uh, karna chahiye. Then the fruit will be more sweeter, mm -hmm. and. Uh, इस इस फील्ड में बहुत प्रोस्पेक्ट हैं जी कैन जॉइन फाइन आर्ट्स विल गेट वाइड वैरायटी ऑफ फील्ड लाइक यू आप प्रिंट uh, मेकिंग में जाना चाहते हैं स्कल्पचर में जाना चाहते हैं या ग्राफिक में जाना चाहते हैं वहाँ पर आपको सब इंफॉर्मेश uh, सुविधा मिल जा, जाता है और uh, मेरे जो बच्चे हैं जो स्कूल में हैं जो सब में हैं वो वेरी वर, मोटिवेटेड है और मैं यही कह, कहना चाहती हूँ ऑज अ स्टूडेंट ऑज छात्र जो मुझे देख रहा है आ, कोशिश करते रहिए एंड बेस्ट ऑफ लक इन योर स्टडीज़ विताशा झमन जी आपको बहुत धन्यवाद देते हैं आ, हमारे इस कार्यक्रम में आपने भाग लिया और एक नए कलाकार से हमने दर्शकों को परिचित किया आपको बहुत धन्यवाद देते हैं और जिस तरह आप बोल रहे हैं कि आपको बहुत आगे बढ़ना है अभी डॉक्टर भी, भी बनना है सो so, <laughs> आपको कहेंगे आपके जो ड्रीम्स हो जो सपने हो वो सच हो कम विथ फ्लाइंग कलर्स आपके इस सपने और uh, मैं इतना uh, कहूँगी कि uh, आपके जो पेंटिंग्स है सब बहुत अच्छे हैं सो so, आप इसी तरह इसी उमंग से इसी जोश के साथ अपने क्षेत्र में आगे बढ़ते रहिए और uh, सफलता प्राप्त करें बहुत धन्यवाद हमारी उसी नमस्ते, नमस्ते। सो so, दर्शकों यहाँ पर समाप्त करें कला प्रोग्राम और आज के हमारे इस कलाकार से मिलकर आप लोगों को भी अच्छा लगा तो ऐसे नए नए कलाकारों से आपके भेंट करवाते रहेंगे तो एक प्रोग्राम लेकर फिर हम आपसे मिलेंगे हमारी ओर से आप सबों को नमस्ते